नमस्ते, आज हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। पहले हम बैक का मेजरमेंट लेने वाले हैं, बैक का मेजरमेंट देखने वाले हैं। बैक का नाप डालते समय हम पीछे का गला लेते हैं, पीछे के गले की लंबाई लेते हैं, उसके अनुसार शोल्डर का नाप कैसे बदलता है, चेंज होता है, ये देखने वाले हैं। यहाँ पर हम पहले ब्लाउज के बैक का ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। 0 से 1, 0 से 1 हम ब्लाउज की पूरी लंबाई अधिक आधा इंच लेते हैं। यहाँ पर लाइन खींची है हमने, इसकी लाइन खींचनी है। फिर बगल की लंबाई हमको 1.25 इंच लेनी है, बगल की लंबाई हमको 1.25 इंच लेनी है। दोनों लाइन हमने खींच ली है। अब छाती घेरे की जो छाती घेरा है उसका चौथा हिस्सा और आधा इंच लेना है। छाती घेरे का चौथा हिस्सा अधिक आधा इंच लेना है। कमर की जो लाइन है उसके ऊपर कमर का चौथा हिस्सा अधिक 1 इंच लेना है। छाती घेरा और कमर घेरे की लाइन को जोड़ना है, उस लाइन के बाहर 1 इंच मार्जिन लेना है। अभी हमको पीछे के गले के अनुसार शोल्डर का नाप कैसे बदलता है ये देखना है। हमको शोल्डर पीछे का गला 5 लेना है, हमको पीछे का गला 5 लेना है, उसके लिए शोल्डर का नाप 6.5 लेना होगा, शोल्डर का नाप 6.5 इंच लेना होगा। 5 नंबर, इसको 6 नंबर दे देंगे हम। शोल्डर की लाइन को खींचना है और छाती के रेशे को जोड़ना है। इस तरह हमने शोल्डर लिया है 6.5 इंच। यहाँ पर हमको गले की चौड़ाई 3 इंच लेना है। यहाँ पर हमको 5 से 10 गले की चौड़ाई 3 इंच लेना है। 3 इंच गले की चौड़ाई लेने के बाद उस चौड़ाई के पास से हमको ऐसा तिरछा गला यानी क्रॉस गले की लंबाई गिननी है। ये 5 इंच ले लिए, देखो 5 इंच गले की लंबाई ली है। इसको फिर हमको चौरस बनाना है, पूरा चौरस बनाना है। 10 से 11 हमने 5 इंच लिया है, 1 इंच क्रॉस लेके फिर हमको गले का शेप देना है। इस तरह हमने 6.5 इंच शोल्डर के लिए 5 इंच गला ले लिया है। अभी हमको 6 इंच गला लेना है, गले की लंबाई 6 इंच लेना है। 6 इंच गले के लिए हमको 6 इंच शोल्डर डालना है। शोल्डर की लाइन खींच ली है, अब गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, गले की चौड़ाई 3 इंच ली है और उसी तरह से हमने गला जोड़ दिया है। यहाँ पर जो ये शोल्डर पट्टी है वो हमारे मर्जी के अनुसार हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी शोल्डर पट्टी हम लेते हैं उससे अधिक आधा इंच हमको शोल्डर पट्टी में बढ़ाना है। अगर 2.5 इंच हमको शोल्डर पट्टी तैयार चाहिए तो हमको शोल्डर पट्टी का नाप 3 इंच लेना है। इस तरह से हम शोल्डर पट्टी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी हमको पीछे का गला लेना है 7 इंच हमको
पीछे की गले की लंबाई लेनी है। इसके लिए हमको शोल्डर का नाप 5.5 लेना होगा, 5.5 इंच हम शोल्डर लेने वाले हैं। शोल्डर की लाइन हमें खींचना है, ये देखो ये 5.5। यहाँ से हमको जितनी शोल्डर पट्टी हमको लेना है उतनी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमको शोल्डर पट्टी 2.5 इंच तैयार चाहिए, तो हम शोल्डर पट्टी का नाप 3 इंच लेने वाले हैं। शोल्डर पट्टी का नाप 3 इंच लेने वाले हैं। यहाँ पर गले की चौड़ाई आई है 2.5 इंच, तो नीचे भी हम 2.5 इंच या 2.5 इंच से ज़्यादा 3 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं। इस तरह हम इसको ये लाइन थोड़ी क्रॉस ले सकते हैं। 1 इंच फिर हमको क्रॉस लेना है। ये क्रॉस इसलिए लेते हैं कि हमको गले का शेप ठीक तरह से आना चाहिए। देखिए इस तरह से हम शोल्डर कम करते आए हैं और गले की लंबाई को बढ़ाते आए हैं। अभी हमको शोल्डर लेना है 5 इंच, 5 इंच हमने शोल्डर लिया है। शोल्डर की लाइन खींची है, छाती रेशा को जोड़ा है हमने। अभी हमको यहाँ से शोल्डर पट्टी लेनी है, फिर से 2.5 इंच तैयार यानी 3 इंच लेना है। 2.5 इंच तैयार यानी 3 इंच लिया है। जैसे जैसे हम शोल्डर पट्टी को अंदर लेते आए, शोल्डर कम करते जाते हैं, वैसे गले की चौड़ाई कम होती जाती है। गले की चौड़ाई कम होने से हमको शोल्डर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है या कोई तकलीफ नहीं होती है गला बनाने में। अब हमको शोल्डर गला डालना है, गले की लंबाई डालनी है 8 इंच, गले की लंबाई डालनी है 8 इंच, जिसको हमने शोल्डर डाला है 5 इंच। फिर से गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ले ली है और ऐसे क्रॉस लाइन में हमने फिर गले की चौड़ाई को जोड़ दिया है। फिर 1 इंच हमने क्रॉस लिया है और इस तरह से हमारा गला बढ़ते बढ़ते जा रहा है, वैसे ही शोल्डर का नाप कम होते जा रहा है। अभी हम शोल्डर लेने वाले हैं 4.5 इंच, हम शोल्डर लेने वाले हैं 4.5 इंच। इसकी लाइन हमने खींच दी है, छाती रेशे को जोड़ दिया है। अब हमारी शोल्डर पट्टी हम कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हमारा शोल्डर पट्टी हमने समझो 3 इंच ली है, शोल्डर पट्टी हमने 3 इंच ली है, तो बचा है केवल 1.5 इंच, बचा है केवल 1.5 इंच। यहाँ से हम गले की लंबाई डाली है, देखो हमने ये 9 इंच डाली है। यहाँ पर हम 2.5 इंच, 3.5 इंच, 3 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच, 3.5 इंच, 3 इंच ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 इंच तक हम गले की चौड़ाई ले सकते हैं, जहाँ पर हमारा गला ख़त्म होता है। यह हमने जोड़ा है देखो गले की चौड़ाई को, इस तरह से गले की चौड़ाई को जोड़ने के बाद फिर 1 इंच तिरछा लिया है और हमारा इस तरह से गोल गला तैयार हुआ है। ऐसे ही आपने देखा कि जैसे जैसे हम गला बढ़ाते जाते हैं, गले की लंबाई, पीछे के गले की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, वैसे शोल्डर का नाप कम 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 होते जाता है। यहाँ पर हमारा गले की चौड़ाई कम होने से, ये गले की चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हमने पीछे के गले की बढ़ती लंबाई और शोल्डर का नाप कम होते जाना देख लिया है। 9 इंच तक हमने गला देखा है। अब ये गले की लंबाई हम 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच ले सकते हैं। उसके लिए हमको शोल्डर का नाप 4.5 इंच ही डालना है। ये 4.5 इंच नाप जो है वो छाती की चौड़ाई यानी छाती घेरा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक ही डालना है। 36 इंच छाती तक हम 4.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमको शोल्डर का नाप लेना है और छाती का नाप 38 इंच है, तो हमको ये 4.5 से ज़्यादा यानी इससे जितने हमने शोल्डर का मेजरमेंट डाला है, शोल्डर का नाप डाला है, उसमें 0.5 इंच ज़्यादा लेना है, उससे अधिक 0.5 इंच ज़्यादा लेना है।
जिस तरह से हमने 38 अगर मेजरमेंट लिया इधर छाती का, तो 38 38 इंच हमने छाती का मेजरमेंट लिया, तो छाती का चौथा हिस्सा अधिक आधा इंच लेना है। और अगर हमको 8.5 इंच पीछे का गला लेना है या 9 इंच लेना है, तो हमको शोल्डर का नाप 5 इंच डालना है। इस तरह से हमने जो शोल्डर बताया, अगर 38 इंच छाती है और उसके अधिक 40, 42, 44, 46 छाती घेरा है, तो हमको डाले हुए शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा शोल्डर का नाप लेना है। इस तरह से हमने बैक ड्रॉ कर लिया है। अब 6 से 3 हमने जो लिया है वो हमको गिनना है कितना है। देखो ये 4.5 इंच है, उससे आधा लेना है यानी 2.25 इंच, 7 नंबर उसको देना है। उसके बाद 1 इंच अंदर लेना है, 1 इंच अंदर लेकर उसको 8 नंबर दे दिया, 8 नंबर और 5 नंबर को जोड़ना है। 8 से 9 ऐसा तिरछा लेना है आधा इंच, और हमको ये पीछे के बगल का घेरा इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। इस तरह हमने पीछे का बगल के घेरे का जो शेप है वो दे दिया है। अभी हमको पीछे का बैक में जो टक्स होता है कमर की तरफ वो कैसा लेते हो देखना है। देखो मार्जिन छोड़कर हमने जो गिन लिया है कमर का चौथा हिस्सा और 1 इंच जो लिया था उसका आधा लेना है, 4.25 इंच, जिसको ए नाम देना है। उसके बाद में टक्स की जो लंबाई होती है वो 13 इंच को हम 4 इंच लेते हैं। अगर ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है तो उसके लिए हमने पीछे का टक्स 4 इंच लेते हैं। इस तरह से हमने 4 इंच ले लिया और वो टक्स की चौड़ाई है वो आधा इंच, इस लाइन की उस तरफ आधा इंच, इस तरफ आधा इंच, यानी पूरा 1 इंच हमने ले लिया है। और इस तरह से दिखाए हुए इस ड्राफ्टिंग की तरह हमने इसको टक्स को बताया है। अभी हमने जो बैक की ड्राफ्टिंग ले ली है उसी पे से हम अभी फ्रंट की ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। हमने जो ड्राफ्ट बैक ड्राफ्ट करके लिया था उसी पे से हमने ये ड्राफ्ट करके लिया है, इसी को हम फ्रंट बनाने वाले हैं। फ्रंट के लिए हमको पहले फ्रंट का गले की लंबाई लेना है। ये फ्रंट के गले की लंबाई है हमारी 7 इंच, इसकी चौड़ाई हमको 2.5 इंच से अधिक ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच से ज़्यादा ले सकते हैं, कम से कम 2.5 इंच होना चाहिए। 1 इंच हमने क्रॉस लाइन खींची है, अब गले का शेप देना है। अभी हमको आगे के यानी फ्रंट के बगल का घेरा लेना है। हम 1.25 इंच या 1 इंच ले सकते हैं। आगे का गला और बगल का घेरा होने के बाद हम योक पट्टी लेने वाले हैं, यानी आगे की जो ब्लाउज के नीचे बेल्ट आता है वो हमको लेना है। हमको लंबाई लेना है उसी योक पट्टी की 2.5 इंच, लाइन खींचनी है हमें। इस लाइन को हमको हम ए बी नाम देंगे, ए और बी नाम दिया है। अभी हमको ए सी डी जो डिस्टेंस लेना है वो 36 छाती के लिए 2.75 इंच लेना है। ए से डी जो डिस्टेंस हमने लिया है यह डिस्टेंस लेने के बाद डी ये लाइन हमको ऊपर छाती रेशा के वहाँ तक खींचनी है। अब टक्स लाइन हमको खींचनी है, जो टक्स पॉइंट होता है हम बॉडी के ऊपर टक्स पॉइंट लेते हैं, ब्लाउज के ऊपर से हम टक्स पॉइंट निकालते हैं,
वो हम जो जितना लेते हैं उसमें 5 इंच मिलाना है। अगर 36 छाती के लिए हमने 9.5 इंच टक्स पॉइंट लिया है तो 5 इंच उसमें मिला के हमको 10.25 इंच करना है। हमने टक्स लाइन खींची है, देखो टक्स पॉइंट ले लिया है, उसके बाद में टक्स लाइन खींची है। उस टक्स लाइन को हमने IRH नाम दिया है। इसी तरह से अभी हमको कटोरी का शेप देना है, कटोरी का आकार देना है। जो कटोरी का आकार हम इस डी की तरफ से जो देते हैं उसको ख़त्म करते हैं, जहाँ पर ख़त्म होता है वो डिस्टेंस हमें लेना है, वो अंतर हमें लेना है। वो डिस्टेंस होता है 7 गले के लिए, आगे का गला 7 है तो हमारा वो डिस्टेंस आएगा, वो अंतर आएगा 5 इंच, यानी 10 से ही ये 5 इंच हुआ। बस ये डिस्टेंस लेने के बाद हम डी पॉइंट से हमको इस कटोरी का शेप हमें इस तरह से देना है। अब आगे हमको देखना है, इस फ्रंट को हमको काटना है। जैसे हम पहले गला काटेंगे, देखो आगे का गला काट लिया है, उसके बाद हम बगल का घेरा, बगल का जो घेरा है इसको मुंडा घेरा बोलते हैं, आर्म राउंड बोलते हैं। इसी तरह से हम बगल का घेरा हमने काट लिया है, आगे का बगल का घेरा काट लिया है। अभी हमको इस योग पट्टी को हमने जो 2.5 इंच लिया था, बस शेप देने के लिए 1 इंच और ऊपर लेना है, यानी बी से सी 1 इंच लेना है, और फिर बी से यहाँ पर छाती का 10वां हिस्सा लेना है, छाती का 10वां हिस्सा, और 5 इंच लेकर हम इस तरह से इसको शेप देने वाले हैं। इसी को जो आकार होता है, शेप होता है, वो कटोरी के नीचे हम योग पट्टी जो लगाते हैं उसको इस तरह से शेप दिया जाता है। देखो ये योग पट्टी अलग निकली है। अभी हम कटोरी काट कर इसको फ्रंट से अलग कर देंगे। ये फ्रंट अलग हुआ है, कटोरी अलग हुए है। अब इसके हम देखने वाले हैं ये कटोरी कागज के ऊपर कैसे बढ़ाई जाती है। अभी हमने जो बैक फ्रंट की जो ड्राफ्टिंग देख ली है वो हमने इस बुक से ली है। ये बुक हिंदी में है, या ये दिलीप कारमपुरी सर इन्होंने जो लिखी है, यहाँ पर जो हिंदी बुक से उसमें ये डिज़ाइन के गले दिखाई दिए हैं। उसी तरह से ये मिक्स बुक से इसमें ड्रेस और ब्लाउज दोनों के बारे में मालूम है। यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा दिया है, जैसे किसी को छाती का हिस्सा कितना करना है वो समझ में आने के लिए, सबको समझ में आने के लिए, ये देखो ये छाती का आधा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, 10वां हिस्सा, ये आपकी जानकारी के लिए ये पूरा टेबल दिया है। उसी तरह से ब्लाउज़ के अलग अलग मेजरमेंट दिए हैं, जैसे 28 छाती से लेकर 42 छाती तक उन्होंने टेबल दिया है। उसी तरह से हम किताब बना सकते हैं। और इसके बारे में जो मालूमत है पूरे बुक्स में आपको हर तरह के, जैसे प्रिंसेस कट, मद्रास कटोरी ब्लाउज, फुल कटोरी, फोरटक्स ब्लाउज, हाईनेक ब्लाउज, हल्टर नेक, ये सभी प्रकार इसमें दिए हैं। और ड्रेस के भी उसी तरह से बहुत से प्रकार दिए हैं, जैसे अनारकली तक हमने पूरी जानकारी इसमें दी है। ये बुक्स हमारी 8 भाषाओं में मिलती है, इस तरह से ये हिंदी भाषा, ये मराठी भाषा और ये इंग्लिश भाषा, इस तरह से ये बुक्स हमने आपके सामने रखे हैं। ऐसे 8 भाषाओं में हमारे बुक्स मिलते हैं, और आप जहाँ भी चाहो इस देश में, पूरे हमारे भारत देश में, पूरे भारत देश में ये किताबें मिलती हैं। ऑनलाइन भी ये किताबें बुक्स मिलते हैं। उसी तरह से भारत के बाहर अनेक देशों में हमारे बुक्स ऑनलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से हम पहुँचाते हैं।